हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल चैनल पे। मेरा नाम है नदीम, आप देख रहे हो टेक्निकल फॉरएवर चैनल को। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार फोन, जो सैमसंग यूजर्स है उनके लिए तो बहुत ही शानदार होने वाला है ये फोन, क्योंकि अब सैमसंग ने भी अपने मिड रेंज में ड्यूल रियर कैमरा वाला फोन निकाल दिया है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा फोन है। तो दोस्तों, आ गया हमारा 2018 का न्यू लॉन्च प्रोडक्ट सैमसंग का। ये रहा वो फोन, सैमसंग J7 Duo। क्या है इस फोन के अंदर, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस और छोटा सा इसका हम करेंगे रिव्यू। तो चलिए देखते हैं क्या है फोन के अनबॉक्सिंग में। तो दोस्तों, ये आ गया हमारा सैमसंग का J7 Duo। न्यू बॉक्स की पैकिंग दी हुई है सैमसंग ने इस बार, इसके ऊपर लिखा हुआ J7 Duo 2018 का एडिशन है ये। देखते हैं बैक साइड में क्या की फीचर्स को हाईलाइट किया हुआ है। तो हाईलाइट में किया हुआ है दोस्तों, बैक साइड में लिखा हुआ है कुछ की फीचर्स सैमसंग ने। तो देखते हैं क्या है। सैमसंग गैलेक्सी J7 Duo 32GB 13 MP कैमरा प्लस 5 MP का ड्यूल रियर कैमरा दिया हुआ है। 4GB की रैम, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि सैमसंग तो अपने डिस्प्ले के लिए ही माना जाता है। 64-bit ऑक्टाकोर प्रोसेसर, फिंगरप्रिंट सेंसर, 8 MP फ्रंट कैमरा विथ फ्लैश लाइट, 3000 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस दी हुई है एंड 5.5 इंच का HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहने वाला है एंड 32GB तो जो मेमोरी कार्ड तो दी हुई है एंड मैक फॉर इंडिया का फीचर्स तो इसमें है ही सैमसंग के एंड नॉक्स की सिक्योरिटी। तो दोस्तों, करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारे सैमसंग J7 Duo का फर्स्ट लुक। राइट साइड में मिल जाएगा आपको एक पावर की जिससे आप करोगे फ़ोन को बूट। बैक साइड में आपको दिया हुआ है बैक पैनल जो भी कि ये है रिमूवेबल, इसमें आपको ड्यूल रियर कैमरा मिल जाएगा एंड राइट साइड में आपको मिल जाएगा पावर अप एंड डाउन का की। बैक साइड में मिल जाएगा आपको USB केबल का चार्जिंग करने का एंड ये रहा आपका 3.5 जैक का ये फ़ोन। तो चलिए फ़ोन को करते हैं बूट, बट इसकी बैटरी तो हमारे बॉक्स में रहेगी तो इसको फ़ोन को करते पहले साइड में एंड देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो दोस्तों, ये रहा कि हमारे फ़ोन के एसेसरीज, फ़ोन के बॉक्स में ये सब आने वाला है हमें। ये रहा हमारा USB केबल, ये है जो सैमसंग का नॉर्मल ईयरफोन आते हैं बॉक्स के अंदर J सीरीज़ के अंदर। ये 5 वोल्ट का आपको ट्रैवल एडेप्टर एंड ये रही 3000 mAh की बैटरी और ये क्यूब स्टार्ट गाइड। तो फ़ोन को करते हैं चलिए बूट। तो फ़ोन हो गया है बूट, आपको आ रही है सैमसंग J7 Duo पावर बाय एंड्रॉइड। ये आ गया हमारे फ़ोन का सेटिंग, चलिए इसको कर देते हैं सेटअप। तो दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट लुक ऑफ सैमसंग J7 Duo का। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको नॉर्मली जो J सीरीज़ में और सैमसंग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसी हिसाब से दिख ही रहा है हमें। तो चलिए देखते हैं फ़ोन का कैमरा डिस्प्ले और क्या है इसकी और सी फीचर्स। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सैमसंग का नॉर्मली जो सब फोन्स में आते हैं J सीरीज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉर्मली वही है। चलिए जाते हैं फ़ोन के सेटिंग में, सेटिंग में कौन सा इसके अंदर वर्जन दिया हुआ है। तो इसकी अबाउट फ़ोन में हम जाके चेक करते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा 8.0.0 का ऑडियो अपडेट एंड सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन में आपको 9.0 मिल जाएगा। चलिए जाते हैं इसकी फ़ोन के डिवाइस मेंटेनेंस में। तो डिवाइस मेंटेनेंस में इसकी स्टोरेज एंड मेमोरी चेक कर लेते हैं हम। मेमोरी में जाके देखते हैं तो इसके अंदर आपको रैम मिल जाएगी 4GB की एंड इसमें 1.7GB आपका सिस्टम यूज़ कर लेगा। अवेलेबल आपको 1.9GB दिया हुआ है इसके अंदर एंड आप इसको क्लीन भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसकी स्टोरेज को। तो स्टोरेज में आपको 32GB का इसको इंटरनल स्टोरेज दिया हुआ है जिसमें 10.2GB आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है और आपको यूज़ करने को मिल जाएगा 21.8GB का। तो
तो दोस्तों देखते हैं इसके कैमरे की परफॉर्मेंस। हम 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा दिया हुआ है इसके अंदर, जो कि एक पोर्ट्रेट मोड पे आपको अच्छा सा फोकस करके देगा। तो ये आ गया हम बैक कैमरे में। तो बैक कैमरे में आपको मिल जाएगा जो पोर्ट्रेट मोड लाइव फोकस के मोड में, जो कि आपको फ्लैक्सी फोन में सैमसंग का देखने को मिल रहा था, जिसको आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, अपने आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये तो रहा हमारा बैक कैमरा, चलिए फ्रंट कैमरे में देखते हैं। फ्रंट कैमरा हमको मिला है 8 मेगापिक्सल का इस फ़ोन में, आपको फ्लैश लाइट के साथ में। इसमें भी हम लाइव फोकस मोड में अपने फ़ोटो को ब्लर कर सकते हैं बैक साइड को, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर। एंड आप इसके अंदर लाइव फोकस अगर हटा देंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं स्टिकर्स को। तो दोस्तों ये रहा हमारा कैमरा, चलिए देखते हैं इसके और आगे की फीचर्स। चलिए दोस्तों देखते हैं इस फ़ोन का सिक्योरिटी, क्योंकि हमने देख लिया इसका कैमरे के बारे में। कैमरे में आपको रियर कैमरा तो मिल गया इस फ़ोन में, जो कि आप पोर्ट्रेट मोड पे बहुत ही अच्छी होने वाली है फोटोग्राफी करने के लिए। तो फ़ोन भी बहुत ही बेहतर बनाया हुआ है। चलिए चेक करते हैं इसका हम लॉक, क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। चलिए सिक्योरिटी में लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन में जाकर अगर हम देखते हैं इस फ़ोन में, तो आपको पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड, नन एंड फेस अनलॉक भी मिलेगा इसके अंदर, फिंगरप्रिंट। तो चलिए करते हैं पहले फिंगरप्रिंट को। चलिए दोस्तों देखते हैं इस फ़ोन का कितना फास्ट है फिंगरप्रिंट लॉक। ये जस्ट टच कर, वाओ, ये जस्ट 1 सेकेंड में आपको फ़ोन हो जा रहा है अनलॉक फिंगर को लगाते ही। चलिए चेक कर लेते हैं इसका फेस अनलॉक के बारे में। चलिए फेस को करते हैं रजिस्टर। तो दोस्तों इसके स्क्रीन पे आने के बाद ही ये मिलता है हमें इसका अनलॉक, क्योंकि ये हो नहीं रहा डायरेक्टली अनलॉक। तो फिंगरप्रिंट देखा जाएगा, फेस अनलॉक भी इसका बहुत ही फास्ट दिया हुआ है, फेस अनलॉक कर दे रहा जस्ट 0.02 सेकेंड के अंदर। तो फ़ोन का परफॉर्मेंस वाइज देखा जाएगा सिक्योरिटी लेवल भी तो बहुत ही फास्ट दिया हुआ है। फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक दोनों ही आपको बहुत ही बेहतरीन यूज़ करने मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ओवरऑल फ़ोन का रिव्यू मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है फ़ोन में मिलने वाली, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा करके खास हाईलाइट फीचर्स दिया हुआ ड्यूअल रियर कैमरा। तो आप इसको फोटोग्राफी एंड फेस अनलॉक के लिए बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। वाओ, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये फ़ोन जरूर बताना हमें इस कमेंट बॉक्स में। एंड मेरे हिसाब से तो फ़ोन तो मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि सैमसंग ने ड्यूअल रियर कैमरा निकाल लिया अपने लाइव फोकस मोड के साथ, क्योंकि फ्लैक्सी फोन्स में ही दे रही थी। तो फ़ोन की प्राइस तो मैं आपको बता ही देता हूँ, फ़ोन आपको मिल जाएगा 16,990 रुपीज़ में, ये मार्केट में आ जाएगा, आपको अवेलेबल ही है। और मेरे हिसाब से रिव्यू वाइज तो फ़ोन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सुपर एम्बलॉयड एंड जो भी फ़ोन सैमसंग ने इतनी फीचर्स दे दी, तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है ये। एंड आप जरूर बताना मुझे कमेंट में कि फ़ोन आपको कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए। और जिन जो लोग हमारे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।